हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित चौहान और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं नई 2024 वाली टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के बेस वेरिएंट जी वेरिएंट के बारे में। ये 8 सीटर वाला है, इसमें आपको 7 सीटर पे मिल जाएगा। कीमत की बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइस है 18,97,000 रुपये, 18,97,000 रुपीज़ के अंदर आपको इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, क्या क्या फीचर यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, उन सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू सांगी टोयोटा पलाशिया इंदौर। अगर आपको टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो शोरूम के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इस गाड़ी की सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए कोई गाड़ी ढूंढ रहे हो तो आपको जो है इनोवा के अंदर जी वेरिएंट मिलता है, और अगर आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो आपको जो है GX वेरिएंट से ये गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाती है। इस वेरिएंट का जो नाम है वो GSLF वेरिएंट है, और इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं उन सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रंट लुक से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर जो है काफ़ी बड़े सा फ्रंट लुक देखने को मिल जाएगा, जो कि एकदम बढ़िया सा लगता है फ्रंट से देखने में। गाड़ी जो है काफ़ी चौड़ी सी देखने में लगेगी, टॉप मॉडल उसके साथ में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का लगता है, और बेस मॉडल भी यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर जो है काफ़ी बढ़िया सा देखने को मिलने वाला है। एकदम जैसे बाहर गाड़ियाँ चलती हैं ना, वैसे लुक आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। बेस मॉडल के हिसाब से बढ़िया से लुक्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आपको इस गाड़ी के अंदर जो है बेस मॉडल में भी LED हेडलाइट सेटअप यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप देखोगे तो इंडिकेटर दे रखा है, और ये जो है छोटा सा पायलट लैम्प हेलोजन में मिलता है। उसके बाद कोई भी फॉग लैम्प वगैरह का प्रावधान यहाँ पर नहीं है, और ग्रिल कुछ इस तरीके की काफ़ी बढ़िया सी बड़ी सी मैसिव ग्रिल यहाँ पर मिलेगी। टोयोटा का लोगो यहाँ पर दे रखा है, और ओवरऑल जो इस गाड़ी का फ्रंट लुक है देखने में एकदम बढ़िया सा लगता है। एकदम हाँ, आपको लगेगा कि कोई बड़ी सी गाड़ी है, फॉर्चुनर के साइज़ की ये गाड़ी लगती है देखने में। और अगर साइड लुक की बात करें तो कुछ इस तरीके का साइड लुक यहाँ पर आप इनोवा हाईक्रॉस के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसमें व्हील कैप भी आते हैं, ये स्टील रिम डाल रखे हैं अभी, और एकदम बढ़िया सा लगता है, ऐसा लगता है हाँ कोई बड़ी सी गाड़ी है। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको इस गाड़ी के अंदर जो है स्टील रिम देखने को मिलते हैं। टायर प्रोफाइल इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 205/65R16, ठीक है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो कुछ इतना ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा। ORVMs की बात करें तो मल्टी कलर्ड ORVM आपको बेस मॉडल के अंदर मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर भी दे रखा है, इन्हें आपको फोल्ड हाथ से करना पड़ेगा, एडजस्ट आप इलेक्ट्रॉनिकली इन्हें कर सकते हो, ठीक है। डोर हैंडल आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं। इस गाड़ी के अंदर कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह का बटन नहीं है, बट इस गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री वाला सिस्टम है, पुश बटन भी इस गाड़ी के अंदर आता है। क्वार्टर ग्लास आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा सा देखने को मिलता है। शार्क फिन एंटीना यहाँ पर आपको मिल जाता है। और रियर लुक की भी बात करें तो रियर लुक भी जो है इस गाड़ी का एकदम बढ़िया सा लगता है, लुक्स वगैरह के मामले में कोई इशू नहीं है। रियर में भी LED टेल लाइट सेटअप मिलता है, रिवर्स लैंप आपको दे रखा है, इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलता है, 4 पार्किंग सेंसर इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। रियर में कोई भी डिफॉगर वगैरह नहीं दे रखा है, लेकिन वाइपर आपको ज़रूर मिल जाएगा। शार्क फिन एंटीना है, स्पॉइलर भी है, हाई माउंट स्टॉप लैंप दे रखा है। टोयोटा का लोगो यहाँ पर मिलेगा। मेन जो चीज़ है पैसे हैं वो इसी चीज़ के हैं, क्योंकि टोयोटा की जो रिलायबिलिटी है वो आपको अच्छी देखने को मिलती है। इनोवा हाईक्रॉस की बैजिंग देखने को मिलेगी, और ये मेरे चैनल पर पहली वीडियो है इनोवा हाईक्रॉस की, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। उसके बाद 52 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, और ओवरऑल जो लुक है इस गाड़ी का काफ़ी बढ़िया सा हो जाता है। बेसिकली ये गाड़ी जो है कमर्शियल यूज़ की गाड़ी है, जो कि फ्लीट ओनर्स होते हैं उनके लिए टैक्सी में चलाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 80 की जो इस गाड़ी की स्पीड लिमिट है वो है, मैक्स 80 की स्पीड से ऊपर ये गाड़ी नहीं जाने वाली है। चाबी की बात करें कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है, वही टोयोटा की टिपिकल लॉक अनलॉक का बटन है, टोयोटा का लोगो दे रखा है, 2 की मिलती है, वो एक अच्छी बात है। और अगर बूट खोलते हैं तो कुछ इतना यहाँ पर बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर मिलता है, अच्छा सा दे रखा है फ्लैट सा। ये 8 सीटर वाला वेरिएंट है, 8 सीटर एक हेडरेस्ट एक्स्ट्रा लगा तो वो 8 सीटर बन गया। ये जो सीट है ये आई थिंक रिक्लाइन भी हो जाती है, हाँ पीछे से आप कर सकते हो इसे और थोड़ा अपनी तरफ, ठीक है, तो थोड़ा बहुत कंफर्ट जो है इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दे रखे हैं, अगर आपको इसे फोल्ड करना है तो पूरे आप इसे जो है फोल्ड भी कर सकते हो, अपना बूट स्पेस आप बढ़ा भी सकते हो। बीच में आपको जो है एक हेडरेस्ट मिलता है, और इसे मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ऐसे ये निकालो और इसमें लगा दो, ठीक है, तो ये जो है 8 सीटर बन जाता है। वैसे है 7 सीटर ही, लेकिन बैठा लेते हैं, लोग बिठाने वाले को क्या है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा प्रॉपर लगा देता हूँ, इसे जो है आप इसे ऐसे आराम से लगा सकते हो। बूट स्पेस भी ठीक ठाक सा है, ऐसे कोई इशू नहीं है। वैसे तो लोग रूफ कैरियर लगवा ही लेते हैं। बूट में आपको एक लाइट भी देखने को मिल जाएगी, और स्पेयर टायर की बात करें तो वो इस गाड़ी के अंदर आपको नीचे की तरफ मिलता है, ठीक है। और ग्रैब हैंडल दे रखा है, और यहाँ से आप बूट खोल सकते हो इस गाड़ी का, ठीक है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की,
कुछ इस तरीके का आपको इस गाड़ी के अंदर जो है काफ़ी बड़ा सा डोर ट्रिम देखने को मिलता है, सब हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगा, कोई भी आपको जो है सॉफ्ट टच एलिमेंट नहीं मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। आपको यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर देखोगे तो क्रोम डोर हैंडल है, लॉक अनलॉक कर सकते हो, ग्रैब आप यहाँ से कर सकते हो, वाटर होल्डर है, स्पीकर वगैरह आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि कोई भी म्यूज़िक सिस्टम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली ORVM को एडजस्ट कर सकते हो, विंडोज़ लॉक कर सकते हो आप यहाँ से, लॉक अनलॉक कर सकते हो, पावर विंडो के बटन है। ड्राइवर साइड की हम देखते हैं कैसा क्या सिस्टम है, तो ड्राइवर साइड की गाड़ी के अंदर आपको वन टच डाउन एंड वन टच अप विथ एंटी पिंच देखने को मिलेगी। ठोको एक बार और दिखा देता हूँ, वन टच डाउन वन टच अप विथ एंटी पिंच, ठीक है। चारों पावर विंडो मिलती है, बेस मॉडल के हिसाब से काफ़ी सही फीचर है। और मेन बात तो यह है टोयोटा की रिलायबिलिटी है, देखो बेस मॉडल के हिसाब से मतलब 20 लाख के अंदर एक शोरूम आने वाली टोयोटा की गाड़ी, एक रियल बड़ी गाड़ी। बॉटल होल्डर है और कोई भी सामान रख सकते हो, कोई भी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट यहाँ पर नहीं मिलेगी, फैब्रिक सीट अपोस्टी दे रखी है, थोड़ा सा चिकना फैब्रिक है ये, रिक्लाइन आप सीट कर सकते हो। और डेड पेडल है, ब्रेक पेडल दे रखा है और एक्सीलेटर पेडल दे रखा है क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में ही आती है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये बोनेट ओपनर है, फ्यूलिड ओपनर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस गाड़ी के अंदर जो है हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। और अगर अंदर बैठकर बात करें तो अंदर बैठना भी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ईजी है, सच कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। और ऐसे डोर को ग्रैब करके आप बैठ जाओ, डोर जो है काफ़ी हैवी इस गाड़ी के अंदर देखने में लगता है। कुछ इस तरीके का काफ़ी प्रीमियम सा इंटीरियर आपको इनोवा हाईक्रॉस के बेस मॉडल के अंदर देखने को मिलेगा, बस यहाँ पर आपको जो है ये कुछ नहीं मिलता है, एक खाली डब्बा सा दे रखा है, इसे आप निकाल के दूसरी इसमें स्क्रीन वगैरह बाद में डलवा सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट मिल जाएगी, वो एक अच्छी बात है। और काफ़ी प्रीमियम सा स्टेरिंग व्हील देखने को मिलता है, बढ़िया सा लगता है, सच कोई इशू नहीं है। टोयोटा का लोगो यहाँ पर दे रखा है, ऑटोमेटिक हेडलाइट आपको बेस मॉडल के अंदर देखने को मिलती है और नॉर्मल वाइपर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और क्लस्टर की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको इस गाड़ी के अंदर जो है एनालॉग क्लस्टर देखने को मिलेगा, ये टेकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, इस साइड आपको वही टेम्परेचर दिखा देता है, इस साइड फ्यूल दिखा देता है, बीच में एक डिजिटल MID मिलती है जिसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जो भी चीज़ आप देखना चाहो ट्रिप है ट्रिप भी सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद एक और है यहाँ पर मिलता है, इससे आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप यहाँ से कंट्रोल करना चाहो ये सारी चीज़ें तो आप जो है इसे यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, डिस्टेंस टू MT वगैरह सारी जो चीज़ें हैं वो इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ से दिखा देता है, ठीक है, सारी चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हो। इको मोड भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। और यहाँ की बात करें तो आपको इस गाड़ी के अंदर जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दे रखा है, वो एक अच्छी बात है बेस मॉडल के हिसाब से। यहाँ पर पुश बटन भी मिल जाएगा जो कि आपको इनोवा के अंदर नहीं मिलता है। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर आपको जो है AC वेंट कुछ इस तरीके के मिलते हैं, हैजर्ड लाइट का बटन दे रखा है, मैनुअल AC यहाँ पर मिलेगा, 6 जो आपका CVT ट्रांसमिशन है वो इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको बेस मॉडल के अंदर देखने को मिलेगा विद ऑटो होल्ड, ठीक है। उसके बाद इको मोड यहाँ पर मिलता है और ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको मिल जाएगा, दो टाइप से पोर्ट यहाँ पर दे रखे हैं और आप इसमें स्क्रीन वगैरह डाला लो तो ये जो है बढ़िया सा हो जाएगा, एकदम प्रीमियम सी फील आपको देने वाला है। बड़े बड़े से दो कप होल्डर या बोटल होल्डर भी बोल सकते हो आप, इसमें बोटल वगैरह रख सकते हो। आर्मरेस्ट आपको इस गाड़ी के अंदर एकदम ही हार्ड प्लास्टिक मिलता है और ये जो है थोड़ा सा अलग स्टाइल से खुलता है, आप इसे ऐसे खोल सकते हो, नॉर्मली ऐसे खुलता है बट इस गाड़ी के अंदर जो है ऐसे खुलता है ये। और यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएगा, कोई भी फ़ोन वोन आप रख सकते हो, एकदम ही हार्ड प्लास्टिक सारी चीज़ें एकदम कड़क कड़क सी मिलती है। मैनुअल डेंड IRVM दे रखा है, यहाँ पर लाइट आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है जो कि हेलोजन में दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी टिकट होल्डर या वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, यहाँ पर माइक दे रखे हैं और इस साइड आपको जो है कोई भी सिस्टम ऐसा मिलता नहीं है वैनिटी मिरर वगैरह का। और ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको अच्छी खासी स्पेस है, एकदम बड़ा सा ग्लव बॉक्स इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है, छोड़ो उसको, पावर विंडो वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं पूरे ऑटो ही पैसेंजर के लिए। और ये जो सीट है कुछ इस तरीके की आपको मिलती है, देख सकते हो आप, ओवरऑल जो स्पेस है वो बढ़िया सा लगता है, एकदम केबिन स्पेस भी बढ़िया सा है, एकदम जैसे कॉकपिट टाइप लगता है, भरा भरा सा, ठीक है। अब चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो में और वहाँ का स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड रो की बात करें तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम यहाँ पर आपको मिलता है जो कि एकदम ही बड़ा सा, अगर मैं पूरा खोल दूँ तो इस गाड़ी में टच हो जाए। हार्ड प्लास्टिक ही मिलता है, बोर्डर होल्डर दे रखा है, पावर विंडो का बटन है और इसके अंदर बैठना भी बहुत इजी है, आप ऐसे आराम से इस गाड़ी के अंदर जो है एकदम मतलब ज़्यादा ही पीछे होगी तो भी बैठ सकते हो, ठीक है। और ये जो सीट है इसे आप अपने हिसाब से रिक्लाइन भी कर सकते हो, यहाँ से आप इसे रिक्लाइन कर सकते हो और आप जो है इसमें कम्फर्टेबली बैठ सकते हो। देखो मतलब जो मेन यूज़ होता है कमर्शियल गाड़ियों का वही इस गाड़ी के अंदर आपको सॉल्व करने वाला है, रियर में जो
एसी वेंट आते हैं उनको हाई लो करने के लिए। अब एसी वेंट इस गाड़ी के अंदर कहाँ है, एसी वेंट यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल मिलता है, एक पीछे की तरफ भी मिलता है। दो टाइप सी पोर्ट आपको पीछे की तरफ मिलेंगे, ठीक है। कोई भी टाइप ए पोर्ट जो है वो नहीं दिया गया है आज के ज़माने का। एकदम फ्लैट बेड आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको तीनों के तीनों मिल जाएंगे, बट यहाँ पर कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट इस गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा सा लग रहा है। और अगर हेडरूम की बात करें तो हेडरूम आप देख सकते हो, इसे मैं वापस से ऊपर करता हूँ, ये नॉर्मल है, ठीक है, इतना हेडरूम मिल रहा है। और अगर मैं इसे रिक्लाइन करता हूँ तो एकदम मैं सो ही जाता हूँ। अच्छा खासा हेडरूम इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा, कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो। और ये जो सीट है ये पूरी 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ में आती है। एक बार मैं आपको उस साइड से लास्ट रो के अंदर भी जाके दिखा देता हूँ कि वहाँ पर आपको कैसा क्या स्पेस मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको जो है ये हुक भी दे रखे हैं, तो कुछ भी आप सामान टांगना चाहो तो वो भी टांग सकते हो। चलिए आप इस गाड़ी के लास्ट रो के अंदर चलते हैं। और ये जो सीट है इसे आप आगे पीछे भी कर सकते हो, जैसे ये पीछे कर ली मैंने, और इसे आप आगे भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि पीछे वाले को जो है स्पेस भी बढ़ जाए, आराम से आप झूला भी झूल सकते हो टाइम पास करने के लिए इसमें। और अगर आपको लास्ट रो के अंदर जाना है तो आप दोनों ही साइड से जा सकते हो, ये सीट आगे करके, ये वाला इसको पुल करके थोड़ा सा पीछे आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर ऐसा पाँव वाँव रखने के लिए भी प्रावधान है, और इसे आप इस गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ भी बैठ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला जो सिस्टम है इसे खींच के ये जो सीट है ये पीछे आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो सिस्टम है वापस से रुक जाओ दो मिनट में आपको बता देता हूँ, ये जो सीट है ये ऐसे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप स्पेस देख सकते हो, ये जो सीट है रिक्लाइन वगैरह मैंने कुछ भी नहीं कर रखी है, कुछ इतना स्पेस यहाँ पर मिलता है। और सेगमेंट के हिसाब से बढ़िया स्पेस है, अगर आप 7 सीटर गाड़ी या 8 सीटर गाड़ी ढूंढ रहे हो जो कि आप कमर्शियली यूज़ कर सको, या नॉर्मल कई लोग तो ले भी लेते हैं, तो बढ़िया स्पेस है, सच कोई इशू नहीं है। दो कप होल्डर यहाँ पर मिल रहे हैं, एक स्पेस भी यहाँ पर मिलती है, एक कोई भी सामान वामान चिपकाने या फंसाने के लिए दे रखा है, ये छोटे छोटे से दे रखे हैं, एकदम अटेंशन टू डिटेल काफ़ी सही है। और ग्रैब हैंडल है, एमिनिटीज़ वगैरह में कोई इशू नहीं है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर मिलता है, ठीक है। दो कप होल्डर है यहाँ पर, कुछ मतलब वही कार्ड वार्ड लगाने के लिए इस साइड भी मिलता है, इस साइड भी दे रखा है। और 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ का जो हेडरूम है वो भी अच्छा खासा इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा, उन सब मामलों में भी इस गाड़ी के अंदर ऐसा सच कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की, और यहाँ पर आपको लाइट भी जो है मिल जाएगी। बाकी इंजन की बात करें तो यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो खोल सकते हो, और इंसुलेशन वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है। इंजन की बात करें तो बहुत नीचे प्लेस है यार इंजन। हाँ, आपको इस गाड़ी के अंदर जो है 2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 172 bhp की और 209 nm का टॉर्क। 4 सिलेंडर इंजन है और टोयोटा का इंजन है, तो इंजन रिलेटेड आपको इससे कोई इशू जो है वो नहीं होने वाला है। बस मुझे थोड़ा सा बहुत ही नीचे इंजन ये लगा, पता नहीं पहली बार देखा मैंने। हाँ, और कंपनी क्लेम माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी का जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो है 16 किलोमीटर प्रति लीटर, ठीक है। इंसुलेशन वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलती है, ओवरऑल जो चीज़ें हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके की मिलती है, बट ये 16 का माइलेज तो आपको नहीं देगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है, तो आपको मैक्सिमम वही 10-11 का माइलेज मिलने वाला है। और इंसुलेशन शायद दे दी जाती तो ये थोड़ा सा कवर हो जाता, ये थोड़ा सा जो है मतलब टोयोटा के लेवल का नहीं लग रहा है। तो यही थी आज की वीडियो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के जी वेरिएंट की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।